इस समय हम पहुंच चुके हैं दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में 14/2 जिला परिषद का जो क्षेत्र है वहां पे जो निवर्तमान जिला परिषद के सदस्य हैं वो आज चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आए, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन हम इस समय जो पहुंच चुके हैं वो है पुनहत पंचायत। पुनहत पंचायत का ये है गलमा, जहां पे तस्वीर आप देख रहे होंगे श्री राम शंकर झा, जो इनके द्वारा किया हुआ काम है। और क्योंकि जब आज कैंपेन कर रहे थे और मेरा भी आज दौरा था घनश्यामपुर, इसी कर्म में आज मिल गए नेताजी। आइए नेताजी से जानने का प्रयास करते हैं। 2016 से 2021 तक का आपका टर्म रहा है जी। हाँ, 2021 तक का जो आपका टर्म रहा वो कैसा टर्म रहा ये पहले आप बताइए। काफी टफ रहा क्योंकि करने को बहुत कुछ चाहता था लेकिन जिला परिषद में उतना कुछ फंडिंग हमें नहीं मिल पाया। फिर भी हमने कोशिश किया कि हमने जहाँ तक जो बन सका, 6 पंचायत आता है, 3 पंचायत तक हम पहुँचे हैं। यदि हमको वापस मौका मिला, इस बार हम पश्चिमी से शुरू किए थे और इस बार पूर्वी से शुरू करेंगे। हम दाल से शुरू किए थे, इस बार दोथा से शुरू करेंगे, हमारा ये प्लान है। यही रोड है, इसी रोड का जो है हमारे जिला परिषद विजन में 7 लाख से ज़्यादा योजना का काम नहीं होता है, 500 फीट के अंदर का काम होता है। ये लमसम 650 से 700 स्क्वायर फीट रोड था। हमने एक बार इसको आधा रोड बनाया, जो भी हमें अनुशंसा हुआ राशि, फिर हमने इसको कंप्लीट किया क्योंकि मुझे थूक चढ़ के लगा के चलना नहीं था कि हम आधा बना देंगे, आधा वहाँ थाल किच में आदमी आएगा। हमने जो भी काम जहाँ भी किया वो पुख्ता काम किया और आप देख रहे हैं, ये बोर्ड भी देख रहे हैं और रोड भी देख रहे हैं, ये 100 साल बोर्ड भी रहेगा और रोड भी रहेगा। देखिए नेताजी का जो एक शब्द है वो 100 साल बोर्ड भी रहेगा और 100 साल रोड भी रहेगा। बात तो बहुत बड़ी है, 100 साल बोर्ड रहेगा और 100 साल रोड रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि आपने जो पिछले जो पंचवर्षीय में आपने काम किया है, आपको नहीं लग रहा है कि जिस क्षेत्र में आपने काम नहीं किया है उस क्षेत्र के लोग आपके क्यों फिर इस बार क्यों आपको मौका देंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि पिछले मेरे से पहले 15 साल जिला पार्षद रहे हैं यहाँ पे, चाहे किसी गांव का कोई भी रहे हों, जो भी रहे हों, आप एक बोर्ड बता दीजिए मुझे एक काम का 15 साल के दौरान में, और वो हमको बोले तो ठीक है। हमने एक नहीं 17 काम किया है, 17 बोर्ड लगाया है, तो हमको हमारे ऊपर ये विश्वास करे कि मैं आधा तक पहुंचा हूं और आगे करने वाला हूं। यदि 15 साल में कोई कुछ काम कहीं किया हो जिला परिषद मत से या दिखा दिया हो तो वो हमको बताए, जवाब दे। आप पे तो आरोप है कि आप जो है पोहद्दी और गनौन जैसे जगहों पे आपने काम नहीं किया। एक्चुअली मैं वहाँ भी काम करूँगा लेकिन हमारे पास जो भी फंड था हम शुरू से कर रहे आ रहे थे। अब आप बताइए, आप अपने घर बना रहे हैं, एक घर को जो है सो आप टाइल्स लगा लेंगे या दूसरे घर को ऐसे ही छोड़ देंगे? कम से कम एक घर कंप्लीट करेंगे तो दूसरा घर को हम शुरुआत करेंगे। तो हमें जहाँ से शुरुआत किया हमने वहाँ तक फिनिश किया हूँ। आगे हमको जो मौका मिलेगा मैं गलमा के लिए भी काम करूँगा, गनून के लिए भी काम करूँगा, पहद्दी के लिए भी काम करूँगा, लगमा के लिए भी काम करूँगा, लेकिन हमारा राशि ही शेष था, हम क्या करते? कैसे कैसे मना पाएंगे? ये पहद्दी है आपके पास, गनौन है, और ये फिर जो लगमा है गलमा है, उनको हाथ जोड़ के बोलूंगा भैया हमारे पास जो था हमने कमाने नहीं आया यहाँ पे, हमने लाखों रुपया अपना जेब से गमा दिया सोशल वर्क करने के चक्कर में, हम कुछ कमाने के लिए नहीं आए, ना मैं कोई परसेंटेज खाया हूँ। जो काम किए मुखिया जी हैं, ये लोग काम किए हैं, इन सब से आप देख लीजिए, हम कहीं कोई 1 रुपया कमीशन नहीं लिया हूँ। मेरा एक ही सेवा है, जो हम जनता के बीच में रहें, जनता का काम करें। और ये हमें जब मैं 8 साल की उम्र में था तो मैंने अपने पिताजी को देखा तो जनता के बीच में रहे और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरा कई भाई हैं ऐसे जो बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, जापान कई जगह पे रह रहे हैं, लेकिन हमको मन में है कि मैं इसी मिट्टी पे रहूँगा और अपने लोगों के बीच में रहूँगा, उनको हाथ जोड़ के विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये मेरे बारे में कोई भी यदि पता करा ले, जिस गांव का हूँ उस गांव का भी 5,000-10,000 आबादी है। तो अब तो चुनाव का समय है ना, नामांकन कराएंगे तो राजनीति गर्मा जाएगी। अब ऐसे में तो जो आपके जो विरोधी होंगे, विपक्षी होंगे, वो तो यही सवाल उठाएंगे ना कि पोहद्दी में काम नहीं किया आपने, गनौन में काम नहीं किया आपने, लगमा में काम नहीं किया, गलमा में काम नहीं किया, उनको कैसे मनाएंगे? मैं उनको पूछूंगा कि हमने जो भी काम किया है वो हम आप लोगों के मार्फत
समाज में दिखाने जा रहा हूँ। आप पे भी बहुत बड़ा आरोप है ना कि आप चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कम और शहर प्रदेश मुंबई में ज्यादा रहे। भैया मैं मुंबई में रहा हूँ इसलिए 50 लाख रुपया अपना जेब से लगा के अपना क्षेत्र में काम किया हूँ। मैं ये 2500 के भरोसे बैठा रहता भी कमाया हूँ। मैं प्रदेश में जाके कमा के लाया हूँ, अपने क्षेत्र का विकास किया हूँ। रह गया जिला परिषद में, अब ध्यान में देख लीजिए पूरा जिला परिषद 43-44 जो भी है उसमें उपाध्यक्ष हमने बनाया, हमने 1 रुपया नहीं लिया। अध्यक्ष हमने बनाया, हमने 1 रुपया नहीं लिया। किसी और जिला परिषद से ज्यादा काम हमको मिला और हम अपने क्षेत्र को विकास करने में पूरा का पूरा भूमिका निभाए। आप जब जीत करके गए तो फिर क्षेत्र में क्यों नहीं थे? भैया मैं बहुत मजा हुआ नेता नहीं रहा, समाज सेवक हूँ, मजा हुआ खिलाड़ी नेता नहीं रहा मैं। हाँ यदि मैं विधायक बन गया होता, मैंने कोशिश किया था लेकिन सेकंड लिस्ट में नाम मेरा हुआ, मुझे टिकट नहीं मिला। हम ऐसा नेता नहीं है, हम सोचते थे कि मैं काफी सक्षम रहूं या यदि मुझे मौका मिलता है MLA बनने का, MP बनने का, मैं योजना के ऊपर भरोसा नहीं करता। बोलता है नाला है, आप नाला का काम शुरू करो, मैं देख लूंगा आगे क्या होगा। चलिए भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में आप विधायक बने, MP बने। लेकिन सवाल उठता है क्योंकि अभी जो है जो क्षेत्र है वो जिला परिषद का है और जिला परिषद से आप चुनाव पहली बार लड़े और चुनाव जीत गए जी, ये जो चुनाव इस बार जो चुनाव हो रहा है ये आपको लग रहा है कि टफ है या आपके लिए आसान है? देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि टफ है या आसान है, क्योंकि मैं पिछली बार भी लड़ा था तो सब लोग बोल रहे थे रामशंकर झा से ही मेरा टक्कर है। अच्छा, जबकि मैं क्या बोल रहा था कि भैया हमको हर हाल में चुनाव जीतना है, जनता का सेवा करना है, इसलिए मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ ये टफ है या आसान है। मुझे मेहनत करना है, मुझे अपने जनता का दिल जीतना है और मैं ये सोचूंगा जनता मुझे वापस मौका दे उनका सेवा के लिए, जो मेरा अधूरा काम रह गया है उसको मैं पूरा कर सकूं। चलिए लेकिन अभी जो आज कैंपेन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मैं आज इसके लिए आया हूँ कि अपने क्षेत्रवासियों को मैं ये न्योता देने आया हूँ, हकार देने आया हूँ, भैया वापस मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ 30 अक्टूबर को और आप सब से कलबद्ध प्रार्थना है मेरा कि आप लोग इसमें शामिल होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये थे हमारे बीच घनश्यामपुर 14/2 के जिला परिषद के निवर्तमान जिला परिषद सदस्य 14/2 रामशंकर झा, 14/2 के जिला परिषद के इस बार फिर से 2021 में प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। इसको लेकर के आज ये पूरे क्षेत्र में 6 पंचायत में लगातार दौरा कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वजह जानने का प्रयास किए तो आज ये अपने क्षेत्रवासियों को हकार दे रहे हैं, यानी कि न्योता दे रहे हैं 30 अक्टूबर को ये नामांकन कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर के जनता से अपील कर रहे हैं कि उस नामांकन के कार्यक्रम में आप जरूर पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा जो इनके ऊपर आरोप था कि ये क्षेत्र में कम और प्रदेश में ज्यादा रहते हैं, पूरी तरह से मामला स्पष्ट हो गया है। इनका कहना है कि अगर हम क्षेत्र में रहते तो वो काम नहीं कर पाते क्योंकि तब मुझे ख्वाहिश होती खाने की, लेकिन जब हम प्रदेश में रहे तो हमने इस क्षेत्रवासियों के लिए काम किया, चाहे वो शहर में रह के किए या क्षेत्र में रह के किए, लेकिन काम तो हमने किया है। अब चाहे हम प्रदेश में रहे, शहर में रहे, घर में रहे, लेकिन हमने काम किया है। ऐसे कुछ पंचायत में इन्होंने काम नहीं किया है, जिसको लेकर के इन्होंने कहा है कि हम लीपापोती का काम नहीं करना चाहते हैं, हम काम स्पष्ट रूप से क्लियर करके करना चाहते हैं कि एक एक जगह टाइल्स लगे और दूसरे जगह सिर्फ मिट्टीकरण होकर के खत्म न हो जाए। तो जहां अगर टाइल लगे तो दूसरे पंचायत में भी टाइल्स ही लगे। तो यही कारण था कि कुछ पंचायत छूट गया। अब जो बचा हुआ जो मौका तलाश रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे जो पंचायत छूटे हुए हैं उसमें हम निरंतर प्रयास करेंगे कि वो काम जो छूटा है वो काम करने का प्रयास करेंगे। हमने दात पंचायत से शुरू किया, वहाँ भी सार्वजनिक स्थान था, मंदिर था, वहाँ पे हमने 500 स्क्वायर फीट का रोड बनाया 10 फीट चौड़ा। वहाँ से हम आए कुर्तू पश्चिम पंचायत में, पारसमनी स्थान है, वहाँ पे 750 स्क्वायर फीट रोड हमने बनाया। एक पार्ट में जिला परिषद से नहीं हो सकता था और इसलिए हमने 2 पार्ट में उसको योजना पास करा के, हालांकि मैंने काम शुरू कर दिया था, जिस दिन मैं उस प्रांगण में घूमने गया पूरा गांव वाले ने हमको, टोल वाले ने हमको बोला कि आप एक ये काम करा दीजिए भगवान के लिए, ये रोड भक्त जन के लिए आसान हो जाएगा जाने आने में।
हमने कमिटमेंट कर लिया कि मैं ये रोड बना दूंगा आपको और मैं एक हफ्ता के अंदर बनाऊंगा। ऊपर वाले ने साथ दिया, मैं वो रोड चालू कर दिया, फिर योजना पास करा करके हमने आगे का काम किया। 750 फीट रोड मैंने कोर्थू पश्चिमी पारसमनी स्थान में बनाया। वहीं एक खुवारे टोल है, नदी के किनारे में टोल बसता है, हमने वहाँ पर 400 स्क्वायर फीट का लंबा रोड बनाया। बाकी मैं पूर्वी में आप आ जाइए तो मुस्लिम समुदाय है, उन लोगों को मस्जिद के पास जाने में काफ़ी तकलीफ होती थी। कई लोग ने आकर के बोले कि हम लोगों का पाँव छिल गया, ये हो गया। हमने बाइक से सर्वे किया, हमने देखा वहाँ पे कि जो कंडीशन था, मुझे खुद देख करके बुरा लगा कि किसी ने लिपापोती काम आज से 15 साल पहले कर दिया था, जो पहले मुखिया रहा था यहाँ पर। हमने उस रोड को जुबान दिए कि हम एक हफ्ता में आपका रोड का काम करा के देंगे। हमने आज उस रोड को यहाँ पे 500 फीट हमने मंजूरी करा के लिए थे, वहाँ 570 फीट हम ढलिया करा करके दिए। आज ये सार्वजनिक स्थान है मुनिवा स्थान। आप यहाँ देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि चतुर्दशी में हमने देखा है अपनी आँखों से, ये 7 फीट चौड़ा रोड था और यहाँ पे इतना बड़ा भीड़, इतना संख्या में लगता था कि नीचे का गहराई देखिए और रोड देखिए, लोग नीचे गिर जाते थे। एक यदि चार चक्का कहीं से आ भी गया, छोटा मोटा गाड़ी, तो लोग यहीं पर 700 फीट पहले रुक जाया करते थे कि वहाँ गाड़ी आ रहा है, क्रॉस नहीं कर पाते। हमने दोनों तरफ से चौड़ीकरण करके उसको 7 फीट के बजाय जहाँ बन सका, हमने तो लोगों से ज़मीन मांगने का कोशिश किया, बहुत हाथ पांव जोड़ करके, कहीं 10 फीट कहीं 11 फीट का हमने यहाँ रोड बनाया। ये प्रांगण आप देखिए, ये देवस्थान का और मनरेगा भवन का बाउंड्री वाल है। इस बाउंड्री वाल का सरकार से हमने 4,60,000 रुपया हमें मिला। हमने 9 लाख रुपये का काम करके इस प्रांगण को चमकाया और इस प्रांगण के बगल में एक नया रास्ता बना के दिया, क्योंकि 700 एकड़ से ऊपर ज़मीन किसान भाइयों का हमारे टोला का है, जो कि यही प्रांगण होके जाते थे आते थे। आज उनके लिए हमने अलग से 350 फीट 380 फीट चौड़ा मनरेगा भवन तक के लिए रोड बना दिया, जो अपना ट्रैक्टर लेकर के, अपना माल जाल लेकर के, भैंस लेकर के, बैल लेकर के आराम से जा सकते हैं और अपने खेत पथार तक जा सकते हैं। तो हमने ये काम यहाँ पे किया। हमारा अब कितना मैं काम गिनाऊँ, मैं 8 नंबर वार्ड में आपको शायद दिखे, आप देखे भी होंगे, बोर्ड भी आप देखे होंगे, रोड भी देखे होंगे, वहाँ भी हमारा 500 फीट का योजना था, हमने 560 फीट वहाँ पे योजना किया, क्योंकि 6 नंबर वार्ड में आता है वो। वहाँ पे कुछ हरिजन समुदाय थे, उन्होंने बोला हमें कि आप हमारे घर तक लेके कर दीजिए, जहाँ तक लास्ट हो पाया हमने करके दिया। हमने कोई योजना से 1 रुपया कहीं नहीं कमाया नहीं खाया, हम जहाँ तक जो बन सका सो हम काम किए। हमने दांत से शुरू किए, आपको मैं गलमा का प्रांगण में दिखाया, तारा मैया स्थान में, कि वहाँ पे हमने 700 फीट रोड बनाया। जिला परिषद मद में हम 500 फीट से ऊपर नहीं जा सकते थे, तो हमने 2 पार्ट करके वहाँ भी 700 फीट रोड पुनहत पंचायत के गलमा गांव में हमने सार्वजनिक स्थान पे काम करके दिया। हम गलमा तक तो पहुँचे हैं, हमको मौका यदि वापस जनता देंगे, मैं अपने लिए नहीं, हम अपने जनता भाइयों के लिए आना चाहते हैं कि हम अब दो था से शुरू करेंगे, लगमा होते हुए उधर सब इधर घींच के लाएंगे। पहले हमने पश्चिमी से शुरू किया था और यहाँ तक लाए, और हमारा जो भी काम रहा है, कोई लिपा पोती कहीं नहीं, सारा काम मजबूत काम है, हमारा सराहनीय काम है, जनता बोलते हैं इस बात के बारे में। अब यदि हमको वापस मौका मिले तो मैंने इसी स्थान के लिए, इस जगह के लिए सुलभ शौचालय का व्यवस्था करके रखा हूँ, एक साइड का घाट का व्यवस्था करके रखा हूँ। पारसमनी मंदिर में हमने घाट का व्यवस्था करके रखा है, सुलभ शौचालय के लिए हमने घाट का व्यवस्था करके रखा है। हम गलमा में लक्ष्मीनाथ मंदिर है, वहाँ पे हमने घाट का काम दिया, जो कि पास होके ये सब आ चुका है गलमा में, इतना हुआ इस बार जो वो पास होके आ गया, हम कर लिए होते, बारिश इतना हुआ उतना पानी सुखाना मुश्किल पड़ गया और हमारा कुछ काम सब शेष बचा हुआ है। पंचायत में जो एक स्कूल है, वो प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे हमने 600 फीट का रोड दिया, जो पास होकर के आया है 2 पार्ट में, लेकिन मेरा अवधि पुर गया। 2 साल तो कोरोना के लॉकडाउन के कारण हम लोग बैठे रह गए, जो और साल भर सीखने में लग गया। 2 साल काम किए, जहाँ तक घिस सके सो घिचे, आचार संहिता का बादल मंडराने लगा सर पे, तो हमसे जितना ईमानदारी सोच सका हमने किया। जनता मालिक हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि भैया मैं आपके लिए आया हूँ, मैं अपने निजी स्वार्थ में यही है कि मेरे प्रति कुछ काम हो तो मेरा भी